हेलो स्टूडेंट्स आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा योर मेस टीचर टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास थ्री द चैप्टर नेम इज एरिया जे स्टूडेंट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड और फर्स्ट पार्ट इन प्रीवियस क्लासेस दे वी विल लर्न अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ एरिया हमने कॉन्सेप्ट को देखा भाई एरिया है वो डिपेंड करता है साइज पे जिस थिंक का या जिस हम कह सकते हैं जिस पर्टिकुलर थिंक का जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई लार्जर है देन द अदर थिंग अगर उसका जो साइज़ है वो अदर थिंग के कंपैरिजन में अगर वो लार्जर है देन वी कैन इजीली से द एरिया ऑफ द थिंग दैट थिंग विल बी लार्जर देन द अदर थिंग सो हमने ये देखा था कि साइज़ मैटर करती है जब भी हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड करने जाते हैं वहाँ पर हमें सबसे पहले किसको देखना है साइज़ को साइज़ बिगर एरिया बिग ठीक है साइज स्मॉलर देन एरिया इज स्मॉल ठीक है सो इतना सब कुछ हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कर लिया था इन शॉर्ट वी कैन सी वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट द एरिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया यानी एरिया को लेकर के हमने ये देखा था कि उसका कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है बेसिक नॉलेज क्या कह रहा है वो चीज़ हमने हमारे पार्ट वन में डिस्कस कर ली थी टूडे वी विल स्टार्ट आवर पार्ट टू एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फोर्टीन तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ में सो वॉट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट इज च मोबाइल इज लार्जर सो डियर स्टूडेंट डियर द पिक्चर यहां पिक्चर में हमें दिख रहा है योर ब्रदर्स मोबाइल एंड your सिस्टर्स मोबाइल सो यहाँ पे टू थिंग्स का कंपेयर हमें क्या करना है सबसे पहले जैसा हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं एरिया फाइंड करते हैं तो सबसे पहले साइज़ को देखते हैं किसको देखते हैं साइज को सो so, यहाँ पे हम दोनों थिंग्स को देख पा रहे हैं दोनों क्या है भाई दोनों ही मोबाइल्स से, ठीक है बट यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि वन ऑफ दैम इनमें से जो वन ऑफ है यानी कि जो ब्रदर्स मोबाइल है वो कैसा है लार्जर दैन द सिस्टर्स मोबाइल सो इजिली वी कैन से लार्जर कौन सा होगा भाई ब्रदर्स मोबाइल एरिया किसका ज़्यादा होगा ब्रदर्स मोबाइल के दैन द सिस्टर्स मोबाइल क्यों भाई सिस्टर्स के मोबाइल का एरिया लेस क्यों आ रहा है कम क्यों आ रहा है स्मॉल क्यों है बिकॉज उसकी साइज स्मॉल है एंड वी नो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया सीज कि जिसका साइज़ बिगर है उसका एरिया भी कैसा होगा बिगर होगा जिसका साइज स्मॉल है उसका एरिया भी कैसा होगा स्मॉल होगा सो so यहाँ पे इजीली हमने फाइंड कर लिया लार्जर कौन सा है ब्रदर्स मोबाइल सो दैन वी शुड टिक ऑन द मोबाइल फ़ोन ऑफ द ब्रदर ठीक है चलिए नेक्स्ट ये मूव करते हैं क्वेश्चन टू सेज हाउ मैनी इरेजर्स कैन बी अरेंज ऑन योर मैथमेटिक बुक सो मैथ नोट बुक है हमारी उस पर हमें क्या करना है हमें इरेजर्स को अरेंज करना है किसपे अरेंज करना है मैथ नोटबुक पर सो हम क्या करेंगे हमारे इरेजर्स को लेंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि इस बुक का जो नोटबुक का जो सरफेस है उसका एरिया कितना है एंड ये कैसे फ़ाइंड कर पाएंगे हम आपको याद होगा इन पार्ट वन वी डू ए एक्सरसाइज़ और एक्टिविटी जहाँ हमने ये देखा था टेबल वन और टेबल टू हमारे पास थे हमने उन्हें कवर अप किया था थ्रू द बुक्स किया था ना और हमने ये देखा था कि भाई कितना बुक्स को अरेंज करने में वो कवर हो पा रहा है पूरा वैसे ही हमें हमारी मैथ नोटबुक लेनी है उसे इरेजर से कवर करना है इरेजर सेम साइज़ के होंगे देन हम ये फ़ाइंड कर पाएंगे कि भाई हमारा मैथ नोटबुक का जो सरफेस एरिया है वो कितना है कितना इरेजर लग रहा है ट्वेंटी टेन फाइव फोर एंड मोर सो हमें ये पता करना है सो so, ये सेल्फ क्वेश्चन हैं इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं तो क्वेश्चन सेज एज पर गिवन पिक्चर सम स्वीट पीसेज आर अरेंज इन ए ट्रे फाइंड इट्स एरिया सो डी स्टूडेंट दिस इज द ट्रे यू कैन सी ओके अब हम ये देख पा रहे हैं भाई इस ट्रे में अरेंज की गई हैं स्वीट्स को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ठीक है अब हमें ये फाइंड करना है भाई इसका एरिया कितना है कितना स्वीट्स का एरिया इसमें आ रहा है सो so यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे इजीली चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी आफ्टर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर सो हमने यहाँ कवर अप करके इसको अरेंज करके सारे स्वीट्स को यहाँ पे हमने काउंट किया तो ये रहा हमारा फोर्टी फोर सो इजीली वी कैन से द ए एरिया ऑफ द ट्रे विल बी फोर्टी फोर स्वीट्स ओके क्योंकि जो चीज़ कवर कर पा रही है हमें वही फाइंड करना रहता है कि कितना थिंग्स का यूज़ किया गया नंबर ऑफ थिंग्स हम फाइंड कर लेते हैं दैट विल बी एरिया ऑफ द थिंग तो हमने ये फाइंड कर लिया इस ट्रे में हमें फोर्टी फोर इतना स्पेस है कि फोर्टी फोर स्वीट्स को हम अरेंज कर पा रहे हैं सो so ये इसका एरिया होगा चलिए नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं so here is the question force is uh, count the number of patterns or design in the given pad sheet and find its area

फिर से फिर से फिर से फिर से सो दिस इज पैटर्न ओके समझ गया पैटर्न होता क्या इसके लिए हमने एक, लिए हमारा पूरा एक चैप्टर भी अच्छे से रीड आउट किया था सो so, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं भाई ये बेडशीट पे जो पैटर्न यूज़ किया गया है वो हमें देखना है ऑब्जर्व करना है देन फाइंड करना है द बेडशीट्स एरिया सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिज़ाइन और पैटर्न इज द एरिया ऑफ द बेड शीट क्योंकि हमें यह पता है ये जो पैटर्न है ये इस बेड शीट को कवर अप कर रहा है पूरी तरह कवर कर रहा है सो इजिली वी कैन से द पैटर्न ऑफ द डिज़ाइन इन नंबर सिक्स इज द एरिया ऑफ द बेड शीट सो इस पूरी बेड शीट का एरिया होगा हमारा सिक्स पैटर्न का ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं सो इट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज द क्वेश्चन फाइव से हुज़ फील्ड इज लार्जर सो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है मोहन एंड गनेश का जो फील्ड है उस पर यहाँ हमें दिख रहे हैं दोनों फील्ड्स ठीक so, है सो यहाँ पर लार्जर कौन होगा लार्जर वो होगा जिसका एरिया बिगर होगा ठीक है जिसका एरिया इस्मॉल है वो स्मॉलर है जिसका एरिया बिग है so, वो बिगर है सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि साइज कैसे पॉइंट करे भाई साइज़ किसका बिगर है ये तो हम ऑब्ज़र्व करके ईजिली बता सकते हैं द फील्ड ऑफ गनेशा हैज़ द बिगर साइज़ सो वी कैन ईजिली से द ए एरिया ऑफ द गनेशा फील्ड इज़ बिगर than द मोहन सो इजीली हमने bigger को फाइंड किया एंड नाउ वी शुड टिक ऑन दैट ओके सो हमने उसे फाइंड करके उस पर टिक मार्क कर दिया सो so dear स्टूडेंट दिस इज अवर एक्सरसाइज फोर्टीन देर वी विल लर्न एंड पुट आउट आवर प्रीवियस नॉलेज अबाउट एरिया हमने एरिया के कॉन्सेप्ट को हमारे पार्ट वन में लर्न किया था अच्छे से अंडरस्टैंड किया और इन पार्ट टू हमने एक्सरसाइज में जो इतने सारे क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व किया है एंड जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था एंड न्यू नल नॉलेज था उसका हमने यूज़ किया है टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन क्लियर सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर इंजॉइंग द क्लास सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू सो इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू